नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट पायल का स्वभाव। जी हाँ, पायल के स्वभाव के ऊपर आपको बहुत लोग टिप्पणी करते हुए मिलेंगे जो पायल को जानते होंगे या पायल के साथ कुछ इंटरेक्शन किया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर मैं बीच पे जा रही हूँ, मुंबई के बीच पे वर्कआउट करने के लिए संग्राम जी के साथ, एंड आई वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, सो आई विल थिंक दैट लेट मी गो टू द वॉशरूम इज ऑन माई वे टू द बीच। आई विल टेल द वॉचमैन मुझे ना वॉशरूम यूज करना है। वॉचमैन बोलेगा नहीं, आप नहीं यूज कर सकते। ओके, फेयर इनफ, वॉचमैन हैज अ राइट टू रिफ्यूज बिकॉज मैं उस बिल्डिंग में रहती नहीं हूँ। मगर मेरे साथ अगर संग्राम है और संग्राम वो वॉचमैन को बोलेगा कि प्लीज इनको ये वॉशरूम यूज करने दो, तो वो वॉचमैन हाँ बोल देते हैं। सो दैट इज वाई आई से इट इज अ पुरुष प्रधान देश। पुरुष पुरुष की बात मान लेता है, पुरुष को पुरुष गाली दे तो ठीक है, पुरुष को औरत सही बात बोले वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। यही मेरे साथ होता है मेरी जिंदगी के अंदर। जब मैं पुरुष प्रधान देश में अपनी बात रखती हूं, चाहे वो बात कितनी सही क्यों ना हो, मेरे पे गलत इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, जबकि मैं ना कोई गाली देती हूं ना कोई बल का प्रयोग करती हूं। जी हाँ, उन लोगों के लिए जो बिग बॉस देखते हैं, ना मैं बल का प्रयोग करती हूं ना मैं गाली देती हूं, मगर जस्ट बिकॉज मैं अपनी बात कहती हूं पुरुष को, वो पुरुष को मेरी बात पसंद नहीं आती बिकॉज मेरा टोन अथॉरिटेटिव होता है, तो इसलिए मेरा स्वभाव गलत है। क्योंकि इन पुरुषों को नहीं पता होता कि भैया ऐसे आप इस तरह से कोई कानून पास नहीं कर सकते जो कानून जनहित में नहीं है। तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है एंड उन चीजों को औरतें कैसे डील करती है, दैट डिफाइंस औरत का नेचर। औरत इज सपोज टू बी सबमिसिव। अगर वो एग्री भी नहीं कर रहे किसी थॉट प्रोसेस से, देन शी हैज टू शो हर डिसएग्रीमेंट इन अ सबमिसिव मैनर। व्हाई शुड शी डू दैट जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन? नो, दैट इज व्हाट आई डोंट एक्सेप्ट। अगर आपकी डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट को आप डिसएग्रीमेंट के तरीके से बताओगे ना लोगों को, आप वो डिसएग्रीमेंट सबमिसिव तौर पर क्यों बताओगे? असर्टिव होना इज नॉट बैड स्वभाव, अपनी बात रखना इज नॉट बैड स्वभाव, अवेयर होना इज नॉट बैड स्वभाव, मगर बिकॉज ये पुरुष प्रधान देश है, एक पुरुष वॉचमैन पुरुष की बात सुनकर वो बिल्डिंग के अंदर मुझे वॉशरूम जाने देगा, मगर वही पुरुष वॉचमैन मेरी बात सुनकर मुझे उस बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम जाने नहीं देगा। That's what I want to tell everybody, because बहुत सारे लोग पायल के स्वभाव के ऊपर चर्चा करते हैं, because पायल थोड़े aggressive videos बनाती है, पायल थोड़े assertive videos बनाती है, but मुझे एक video बताओ जहां पर मैंने actually गाली दी हो। I have not done that. I have only used words which are being used in public platforms which are considered not to be abusive. मगर मेरे sarcasm को, मेरे assertiveness को गलत तरीके से portray किया जाता है in this male dominated world. जी हाँ, feminist ने gender equality की बात करते करते आदमियों को अपना नौकर बनाने का प्रयास किया है, जब already इस दुनिया के अंदर औरतों को आदमियों से नीचे समझा जाता है। जेंडर इक्वालिटी मींस सिमिलैरिटी। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है अगर एक बात औरत बोले और अगर वो बात सही है तो एक्सेप्ट करी जाए, क्योंकि अगर वो सेम बात पुरुष बोले और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो वही बात अगर औरत बोले तभी भी उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। This is all I want to talk and express myself because I am expressive. I am supposed to express myself because I'm a human being. मैं सब कुछ bottled up रख के अपने अंदर क्यों रखूं? So this is what पायल का स्वभाव is and ये पायल के स्वभाव के ऊपर आप बहुत चर्चा सुनेंगे आने वाले समय के अंदर, because पायल is assertive. Though पायल is a woman, she speaks her mind because इस देश ने मुझे वो हक दिया है, इस देश ने मुझे वो राइट दिया है कि मैं अपना माइंड बोल सकूं इन अ करेक्ट मैनर, इन अ लॉफुल मैनर, विच आई ट्राई टू डू टू द बेस्ट ऑफ माई अबिलिटीज। नमस्ते, जय हिंद।